नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके और हमारे अपने चैनल में स्कोर प्लेयर। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में जो है चैम्पियन लीग्स का जो मैच होने वाला है उस मैच को जो है कवर करने वाले हैं, जो है अटलांटिको मैरेट वर्सेस बेयर। दोस्तों बहुत सारे लोग होंगे जो LEV को जो है पढ़ के जो है कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो बता दूँ ये जो है ये बर्ड्स की टीम है। अगर आप सर्च भी करेंगे चैम्पियन लीग में तो आपको ये नहीं मिलेगी, तो इनको जो है बायर्स की टीम जो है बोलते हैं, जो आपको जो है डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप टीम ढूंढेंगे तो आपको जो है नहीं मिलेगी, लेकिन इनको जो है बायर्स की टीम जो है बोलते हैं। तो दोस्तों इस आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में जो है आपको जो है दोनों टीम्स के बारे में जो है अपडेट जो है वो बता दिया जाएगा, और फिर आपको बता दिया जाएगा कैप्टन और वाइस कैप्टन की क्या बेस्ट चॉइस जो है आपको जो है देखने को मिल सकती है, और परफॉर्मेंस जो है क्या होने वाली है दोनों टीम की साइड से। तो चलिए आपको जो है टीम की तरफ लेके चलते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन मिल रहा होगा, उसको जरूर जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन को जो है ऑल पे कर देना, उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। हम जब भी जो है नई वीडियोस अपडेट करेंगे फुटबॉल की, हम सारे मैच जो है कवर करते हैं, तो हम जब भी कोई फुटबॉल की वीडियोस अपडेट करेंगे तो आपको जो है सबसे पहले जो है टीम जो है मिल जाएगी, और आप प्रॉपर टाइम में जो है टीम क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो की हेल्प से आपको ग्रैंड लेगी, स्मॉल लेगी, और हेड टू हेड की टीम बनाने में जो है मदद हो जाती है, और आपको पता चल जाता है कि कौन से प्लेयर जो है अच्छी परफॉर्मेंस जो है दे सकते हैं, डिफेंडर में आपको कितने प्लेयर चूज़ करने चाहिए, मिडफील्डर में और फॉरवर्ड में, ये सब आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है बता दिया जाता है, और आपको हमारी वीडियोस में भी बता दिया जाता है। तो इसलिए आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना हमारी वीडियोस में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर भी आप जुड़ जाना, ताकि आप एक ईजिली विन जो है कर सकें हमारी टीम के साथ। तो चलिए आपको बता देते हैं टीम में इंपॉर्टेंस प्लेयर के बारे में, कौन कौन से प्लेयर जो है इंपॉर्टेंट है और जो आपको इस मैच में जो है देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों टीम बताने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो ये जो है ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, जिसमें हमारे पास जो है 618 जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा जो है बन सकते हैं, और इस नंबर को जो है 1000 सब्सक्राइबर भी जो है करवा सकते हैं। और जो भाई लोग नए हैं, हमारी वीडियोज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल पर जो है ज़रूर जुड़ना, और आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा जो है बन जाना दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के फायदे क्या है, आपको जो है लाइनअप, जैसे कि देखिए टाइम पर जो है लाइनअप देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको प्लेयर्स की पोजीशन पता चल जाती है, आपको पता चल जाता है कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पे जो है खेल रहा है, और आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की भी एक अच्छी चॉइस जो है पता चल जाती है इसकी हेल्प से। फिर उसके बाद अगर कोई माई फाइव इलेवन से, बहुत लोग हैं जो माई फाइव इलेवन यूज़ करते हैं, तो उसमें कोई अपडेट होता है तो वो भी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जब बता दिया जाता है। फिर आपको क्रिकेट की जो है टीम्स वो भी जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। हम क्रिकेट जो है नहीं खेलते हैं, लेकिन कभी कभार जो इंटरेस्टिंग मैच होता है वो खेल लेते हैं, और आई होप आपकी क्रिकेट में भी जो है विनिंग हो जाएगी हमारी टीम से अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो। तो आपको जो है फाइनल टीम भी मिल जाती है, जिसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस के बारे में भी जो है बता दिया जाता है। अगर कोई चेंजेस होते हैं वाइस कैप्टन में तो वो आपको बता दिया जाता है कि आप खुद एडिट कर सकते हैं, अगर आप हम किसी वाइस कैप्टन में श्योर नहीं होते तो आपको जो है बता देते हैं दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है लास्ट मैच की जो है विनिंग स्क्रीनशॉट है, तो अगर आप भी हमारे टीम के साथ खेल सकते हैं तो आप भी हमारी टीम के जो है विनिंग स्क्रीनशॉट जो है शेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी भी जो है ईजिली जो है विन होती रहेगी दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों अब आपको बता दें, जैसे कि आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, अपडेट्स, लाइनअप, तो ये सब जो है टेलीग्राम पे जुड़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, तो बिना सोचे समझे जो उस लिंक पर जाके जो है ज्वाइन पर क्लिक कर दीजिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। हाँ, तो अब आपको बताते हैं टीम्स के बारे में, तो चलिए टीम्स की तरफ जो है लेके चलते हैं आपको। टीम्स के बारे में बताने से पहले जैसे कि आपको बताया मैंने कहा अटलांटिको मैरेट वर्सेस बर्ड्स, तो ये जो है ये दोनों टीम है जिन टीम का जो आज जो है 10:30 बजे अराउंड जो है मैच होने वाला है दोस्तों। लाइनअप का जैसे कि आपको पता है लाइनअप जो अभी नहीं आया है, तो यहाँ पे जो आपको लाइनअप देखने को मिल जाएगा, लेकिन लाइनअप जो अभी नहीं आया है क्योंकि लाइनअप जो है वीडियो के आधे घंटे पहले आता है, तो आधे घंटे पहले मैच स्टार्ट होने से पहले आता है, तो उसमें जो हम आपको टीम जो है नहीं बना के दे सकते, लेकिन आपको एक बेस्ट प्लेयर की चॉइस जो है बता सकते हैं दोस्तों। बात करें स्टैट्स की, तो स्टैट्स हमें ये कहता है जो हमारी अटलांटिको मैरेट है, इनकी जो है परफॉर्मेंस जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस है, जो ये कि विन जो है कर सकते हैं ये मैच बायर्स की टीम के कंपैरिजन में। लेकिन आपको बता दें ये जो है ग्रुप डी का मैच है, स्टैंडिंग ग्रुप डी मैच, जिसमें से बायर्स जो है दो मैच खेल चुके हैं लेकिन दोनों के दोनों मैच जो है हार चुके हैं, जिसमें से अटलांटिको मैरेट जो है दो मैच ही खेली है जिसमें से एक विन और एक ड्रॉ। तो मतलब अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में जो हमारी अटलांटिको मैरेट की टीम जो है बायर्स की टीम से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी है। लेकिन बात करें गोल फॉरवर्डिंग की, तो गोल फॉरवर्डिंग आप देख सकते हैं
चार गोल फॉरवर्ड जो है अभी तक जो है दो मैच में अटलांटिको मैनेट के हुए हैं, अगेंस्ट जो है दो गोल हुए हैं डिफेंस, दो गोल जो है डिफेंस भी हुए हैं दोस्तों। बात करें बायर्स की तो बायर्स की टीम के लिए जो है गोल फॉरवर्ड एक ही गोल फॉरवर्ड हुआ है जिसमें से पाँच जो है अगेंस्ट हो गए हैं, मतलब जो इनकी गोल कीपर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसमें से आपको जो है नेगेटिव पॉइंट जो है लग सकते हैं अगर आप इनका गोल कीपर जो है चूज़ करके चलते हैं दोस्तों। बात करें डिफेंडिंग तो डिफेंडिंग में आप दे सकते हैं नेगेटिव पॉइंट जो है लग चुका है, तो हम जो है इस मैच में जो है अटलांटिको मेरिट की जो हमारी टीम है उनको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस लेके चलेंगे। तो अब आपको जो है टीम दिखा देते हैं विद कैप्टन और वाइस कैप्टन बेस्ट चॉइस के साथ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब करते हैं टीम क्रिएट। अगर आपको बता दूं जैसे कि आप अटलांटिक की जो है बेस्ट सेवन जो है चूज़ कर रहे हैं, तो आप बेस्ट सेवन अगर मान लीजिए डिफेंडर मिडफील्डर फॉरवर्ड में से जो है चूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास जो चॉइस बनती है वो LEV की ही प्लेयर्स की जो चॉइस बनती है चूज़ करने की। तो अगर आप LEV के प्लेयर जो है चॉइस करके चलना चाहते हैं गोल कीपर में और आप जो है डिफेंडर मिडफील्डर फॉरवर्ड से लेके चलना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जो है ATL के जो प्लेयर हैं उनको जो है गोलकीपर की चॉइस में चूज़ करके चलना चाहते हैं तो वो भी आपको जो है बता दिया जाएगा दोस्तों। बात करेंगे फॉरवर्ड की तो फॉरवर्ड की बेस्ट ऑप्शन में आप जो देखने को मिलेंगे वो आपने देखने को मिलेंगे जे फ्लिक्स जो है मैं फॉरवर्ड की जो बेस्ट ऑप्शन में जो देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। फिर आपको मिलेंगे के वॉल्ट, ये भी आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। तो इन दोनों को बिना मिस करे जो हम ले लेते हैं। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो अदर ऑप्शन में डी कोस्टा एक अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। पुराने मैचेस की बात करें तो गोल फॉरवर्डिंग में जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लाइनअप में अगर ये हैं तो इनको जो है मिस मत करना, इनको जो है ज़रूर लेना, मिस मत करना, ठीक है। तो बात करें मिडफील्डर की तो मिडफील्डर की चॉइस में एच हेरन जरूर दिखेंगे हमें, जे ब्रकमिट ये भी हमें दिखेंगे, कोके ये भी हमें दिखेंगे। फिर हमें जो है देखने को मिलेंगे ये सारे जो है देखने को मिल सकते हैं। टी पैट्रिक बहुत अच्छी चॉइस है जो आपको जो है देखने को मिल सकती है और बहुत ही कम लोगों ने जो है ये ले रखे होंगे, तो इनके आपके लिए ये एक अच्छे प्लेयर जो है हो सकते हैं दोस्तों। टी पैट्रिक की जगह मैं आपको बताऊं अगर आप टी पैट्रिक मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है अपने जो डिफेंडर हैं वो सारे डिफेंडर जो है लेके चल रहे हैं, चार डिफेंडर जो है ATL के जो है लेके चल रहे हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों बात करेंगे गोलकीपर की तो गोलकीपर की चॉइस में हमें देखने को मिल जाएंगे एल हार्डली, एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। मिडफील्डर की चॉइस में आपको जो है एन सिग्नू की जगह हम जो है लेके चलेंगे जो हमारे अदर ऑप्शन में आते हैं आर रोडी, इनको जो लेके चलेंगे। फॉरवर्ड में जैसे कि मैंने आपको बताया आपको जो है डी कोस्टा देखने को मिल सकते हैं तो आप इनको ले सकते हैं, नहीं तो के हेल्वर्ट्स ये भी आपके पास एक अच्छी चॉइस हो सकती है। बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की तो कैप्टन वाइस कैप्टन अभी जो मेन प्लेयर जो चल रहे हैं विद हाई पॉइंट्स उन्हीं को जो है कैप्टन वाइस कैप्टन की जो है लेके चलेंगे। तो ये जो हमारी फाइनल टीम हो सकती है, अगर इस टीम में कोई चेंजेस होंगे तो वो चेंजेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल पे जो है ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे आपको फाइनल टीम जो है मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को जो यहीं खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।